तो व्यूअर्स, आज हम आपको जेंट्स सलवार में पॉकेट लगाना सिखाएंगे। जेंट्स सलवार में पॉकेट यहाँ राइट साइड में कुंदे और पल्ले का ये जो जॉइंट है यहाँ इसके करीब इस साइड में लगाई जाती है। तो यहाँ से हम इस सिलाई से तकरीबन यहाँ पे 1.5 इंच के करीब यहाँ एक निशान लगाएंगे और ऊपर से भी नेफे की सिलाई से डाउन नीचे 1.5 इंच के करीब यहाँ निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से इस निशान से हमारी तकरीबन पॉकेट की लेंथ है 5 इंच, तो यहाँ हम 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। पहले हम 4.5 इंच पे इस्त्री की तह को सेट करेंगे यहाँ से और फिर हम कॉर्नर बना के सिलाई लगाएंगे तो ये 5 इंच इसकी लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ से इस निशान से इस निशान तक हम कपड़े को इस तरह बाहर की तरफ टर्न करके यहाँ पे हम इस्त्री से इसकी तह को सेट करेंगे। तो व्यूअर्स, ये हमने इस्त्री से इसकी तह को 4.5 इंच तक यहाँ दोनों निशानों के दरमियान हमने इसको सेट किया है। अब हमने ये पीस लिया है कपड़े का लंबा सा, तो यहाँ से हमने इसकी इसको भी यहाँ से थोड़ा सा टर्न करके हमने इसको इस्त्री से सेट किया है। अब हम दोनों का सेंटर मिला के यहाँ सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, हमने ये जो निशान से लेके निशान तक दोनों कपड़ों की इस्त्री से तह को सेट किया है, तो यहाँ हम दोनों कपड़ों को सेंटर में करके यहाँ निशान से लेके निशान तक सेंटर में सिलाई लगाएंगे। यहाँ हम इसको निशान के ऊपर रखेंगे और सेंटर में सिलाई लगाएंगे पहले। व्यूअर्स, यहाँ तक हमने ये सिलाई लगाई है, वहाँ हम कॉर्नर्स पे इस तरह कोन शेप में हम कॉर्नर बनाएंगे पेन से। यहाँ हम इस तरह कॉर्नर बनाएंगे और यहाँ से एक पैर के मार्जिन से यहाँ से सिलाई करके हम यहाँ कॉर्नर बनाएंगे और फिर दूसरी साइड में सिलाई लगाएंगे इस तरह से। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक पैर के मार्जिन से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे अब हमने कॉर्नर्स बना लिए हैं, अब हम सेंटर की सिलाई को निकाल के यहाँ पे कट लगाएंगे। ये हम सेंटर की सिलाई को निकाल देंगे। अब हम यहाँ सेंटर से कट कर देंगे। पहले यहाँ से कट लगाएं।
ये इस तरह से। अब हम इसको खोल के चेक करेंगे, ये आप देख सकते हैं। अब हम अंदर की सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, हमने पॉकेट के लिए जो कपड़े का पीस लिया था वो तकरीबन 20 इंच लंबा था। अब हम जब इसको इधर से टर्न करेंगे तो ये तकरीबन 10 इंच लंबी पॉकेट तैयार होगी और यहाँ भी इसकी चौड़ाई तकरीबन 7 इंच होगी। तो आप भी अपने हिसाब से पॉकेट के साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ हमने ये जो ज़िप के लिए कपड़े को अंदर की तरफ टर्न किया था, इस पीस से हम इस पीस को जॉइंट कर देंगे। यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे और फिर यहाँ से भी सिलाई लगाएंगे और यहाँ से भी, दोनों साइडों से सिलाइयाँ लगाएंगे और ऊपर से भी। तो फिर हमारी पॉकेट मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगी। तो यहाँ से हम सिलाई लगाते हैं। व्यूअर्स, अब ये हमारी पॉकेट बनके तैयार हो चुकी है। हम इसको खोल के अंदर हाथ डाल के आपको चेक करवा सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। अब इसके इसको बंद करेंगे और अंदर से आपको दिखाएंगे। ये अंदर से इस तरह से है। यहाँ पे हमने जॉइंट लगाया था, यहाँ दोनों साइडों पे भी हमने सिलाई लगा दी। ये पॉकेट इस तरह से है अंदर से और बाहर से इस तरह से।